तो देखिए, आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दिस इज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियर सेक्शन 80 के अंदर आता है, उसको अभी अपन देखेंगे कि क्या है। देखिए, उसके लिए अपन एक सबसे पहले फ्लो चार्ट समझते हैं कि क्या है। मान लेते हैं कि आपके जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी है वो है आपकी 1 लाख की। ठीक है, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसका रिडम्पशन जो आप करें वो प्रीमियम पे करें। प्रीमियम मान लेते हैं 10% है, 1 लाख का 10% हो गया 10,000। इसका मतलब आपको टोटल पेमेंट जो करना है वो 1,10,000 करना है। क्लियर है? 1,10,000 का पेमेंट आप करना चाहते हैं। सर, पैसा कैसे आएगा? तो देखो, प्रेफरेंस शेयर के पेमेंट के लिए पैसे के दो सोर्स हैं। पहला, कोई रेवेन्यू प्रॉफिट हो, कोई रेवेन्यू प्रॉफिट्स हो। तो सर, रेवेन्यू प्रॉफिट्स कौन से होते हैं? देखो, रेवेन्यू प्रॉफिट के नाम पे आप याद कर लो, एक तो आपका होता है P&L और एक आपका होता है जनरल रिजर्व। ठीक है, दो हैं। अब मान लेते हैं कि P&L में आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं, 10 लाख रुपीस। ओके, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, का एक कंडीशन गिवन है, जी जी फॉर गिवन, याद रखिएगा, जी फॉर गिवन। क्या कंडीशन गिवन है? कि आप प्रॉफिट से सिर्फ 30,000 रुपीज ही निकाल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन के अंदर कह दिया गया। अब हम जानते हैं हमारे प्रेफरेंस शेयर तो 1 लाख के हैं और 30,000 रुपये हमारे प्रॉफिट से आ जाएंगे, तो बाकी अपन को और कितने रुपए चाहिए? और अपन को चाहिए 70,000 रुपीज मोर। आपको 70,000 मोर चाहिए। ये आपके कहाँ से आएंगे? तो देखिए, इसके लिए जो सोर्स है वो होता है फ्रेश इशू। आपको फ्रेश इशू करना पड़ेगा। फ्रेश इशू किसका? या तो इक्विटी शेयर्स का और या प्रेफरेंस शेयर्स का। ठीक है, या तो इक्विटी शेयर का और या प्रेफरेंस शेयर का। तो इस तरीके से 70,000 यहां से आ गए, 30,000 यहां से आ गए, कुल मिला के 1 लाख रुपए का रिमेंट हो गया। सर, ये फ्रेश इशू का जो है कितने शेयर्स का करेंगे? तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला अमाउंट टू बी पेड, कितने रुपए पेड करने हैं? 70,000 डिवाइड बाय इशू प्राइस 10 रुपए का कर दो, तो कितने शेयर हो गए? 7,000 शेयर्स। कौन से शेयर? मान लेते हैं इक्विटी शेयर्स। 7,000 इक्विटी शेयर्स आपको इसके लिए इशू करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेयर हमने कैलकुलेट कर लिए तो 70,000 रुपये का रेमेंट हो जाएगा। 7,000 शेयर, 10 रुपये का एक, 70,000 रुपये का रेमेंट हो जाएगा। अब आप मान लो मुझे कहो कि सर, मान लो ये शेयर अगर हम प्रीमियम पे इशू करें, यानी 1 रुपये प्रीमियम पर, तो ध्यान देना, नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन में आप इस प्रीमियम को यहां नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि सेक्शन 78 जो प्रीमियम के लिए था वो आपको इसके लिए परमिट नहीं करता, तो इसलिए आप इसको यहाँ यूज नहीं करते, क्योंकि प्रीमियम का यूज प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल में यूज नहीं किया जा सकता। तो आप इसको चाहे इशू आप चाहे 11 रुपये में कर दें, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन में आप यहाँ 10 ही यूज करेंगे। अगर डिस्काउंट पे इशू है तो 9 कर लेंगे, लेकिन प्रीमियम का यूज सेक्शन 78 यहाँ परमिट नहीं करता। दैट्स व्हाई आप प्रीमियम का यूज यहाँ नहीं कर सकते, आप इशू 11 में कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से इतना अरेंजमेंट तो जो है वो आपका हो गया। नाउ आगे चलें। सर, ये प्रीमियम का अरेंजमेंट कैसे होगा? तो देखो, प्रीमियम का अरेंजमेंट तो सिक्योरिटी प्रीमियम से ही होता है। तो देखें सिक्योरिटी प्रीमियम की क्या कंडीशन है। मान लेते हैं जो ओपनिंग बैलेंस है जो कि गिवन है आपको, वो है 1,000 रुपीज का। ये ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जी फॉर गिवन है। ठीक है, अभी आपने फ्रेश इशू किया तो उससे भी आपके पास कैश आया। ये देखो, फ्रेश इशू आपने किया था, 1 रुपये प्रीमियम आया था, वो प्रीमियम भी आपका यहाँ आ जाएगा। क्या? 7,000 शेयर पर 1 रुपये प्रीमियम आया तो 7,000 रुपये का प्रीमियम और आ गया। 1,000 का प्रीमियम पहले से गिवन था क्वेश्चन में, 7,000 का आपने फ्रेश इशू यहाँ से कर लिया, तो टोटल प्रीमियम कितना हो गया? 8,000। लेकिन आपको जरूरत तो 10,000 की है, तो आपको 2,000 रुपये और चाहिए। तो ये 2,000 रुपये आप कहाँ से निकाल सकते हैं? भाई, प्रीमियम में तो 8,000 था, प्रीमियम का यूज तो हमने पूरा कर लिया, तो अब बाकी का पैसा कहाँ से आएगा? तो बाकी का पैसा आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट से। कहाँ से आएगा? रेवेन्यू प्रॉफिट से, यानी वही P&L वगैरह से आप इसका पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये अरेंज हो गए। तो
इस तरीके से 1 लाख रुपए का अरेंजमेंट कैसे हुआ, 30,000 तो रेवेन्यू प्रॉफिट से और 70,000 फ्रेश इशू से, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट तो यहाँ से हो गया, और ये 10,000 रुपए का अरेंजमेंट कहाँ से हुआ, 8,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम से और 2,000 रेवेन्यू प्रॉफिट से। इस तरीके से कुल मिला के 1,10,000 का अरेंजमेंट हो गया। इसमें एक रूल ये भी है कि प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के लिए यदि आप कोई भी पैसा रेवेन्यू प्रॉफिट से निकालोगे तो वो पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व यानी CRR में ट्रांसफर हो जाएगा। ये रूल होता है कि आपका जितना भी पैसा रेवेन्यू प्रॉफिट से आपने निकाला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के रिडम्पशन के लिए वो ट्रांसफर कहाँ होगा, CRR यानी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। ये जितना भी टॉपिक अभी तक अपन ने किया दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ फंड्स। ये फंड्स का अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स का अरेंजमेंट अपन ने कर लिया। नाउ अब मैं एक लाइन यहाँ खींच देता हूँ, ये जो हाफ सर्कल के ऊपर जितना ही पार्ट है ये सारा का सारा अपन ने क्या किया, अरेंजमेंट ऑफ फंड है कि प्रेफरेंस शेयर के लिए पैसा कहाँ से आएगा, प्रीमियम के लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो अपन ने सीख लिया। नाउ अब बात नेक्स्ट स्टेप जो आएगी वो आएगी अरेंजमेंट ऑफ कैश के लिए। अरेंजमेंट ऑफ कैश के लिए तो अरेंजमेंट ऑफ कैश कैसे होगा, तो कैश एक अलग एस्पेक्ट है। मान लेते हैं ओपनिंग बैलेंस जो कि आपको गिवन है 10,000 रुपीज है, सही है। अभी आपने फ्रेश इशू किया, यहाँ देखो 7,000 शेयर एट द रेट ऑफ 11, तो फ्रेश इशू से भी आपके पास जो है वो पैसा आ गया। 7,000 शेयर आपने इशू किए, कैश कितना आया 11 रुपीज, कितना कैश हो गया 77,000, टोटल कैश कितना हो गया 87,000। अब आपके पास 87,000 का तो कैश है लेकिन आपको पेड कितना करना है, आपको पेड करना है 1,10,000। तो अभी आपको अगर 1,10,000 का आप पेमेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको 23,000 की जरूरत और पड़ेगी। तो इस 23,000 की जरूरत आपको पूरी करने के लिए या तो बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा और या बैंक से लोन लेना पड़ेगा। अगर लोन की परमिशन क्वेश्चन में दे रखी है तो फिर लोन ले लें, अदरवाइज बैंक ओवरड्राफ्ट आपका 23,000 का हो जाएगा। तो इस तरीके से हर क्वेश्चन में 2 स्टेप रहेंगी, एक अरेंजमेंट ऑफ फंड्स ये वाली और एक ये सर्कल के नीचे अरेंजमेंट ऑफ कैश ये वाली। हर क्वेश्चन में आपको ये दोनों स्टेप लगानी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में आपको ये दोनों स्टेप लगानी है। अब इनकी एंट्रीज क्या होंगी वो अपन को समझनी है, तो वो देखिए अपन देखो एंट्रीज। जनरल एंट्रीज देख रहे हैं इस कंडीशन में अपन, कि जनरल एंट्रीज इस कंडीशन में क्या होंगे, देखिए सबसे पहले आप फ्रेश इशू आपने किया था 7,000 शेयर्स का, तो आपके पास 7,000 शेयर आपने यहाँ शेयर इशू किए थे, ये वाले 7,000 शेयर एट द रेट ऑफ 11, तो आपके पास एप्लीकेशन आएगी, आपने इक्विटी शेयर इशू किए हैं, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और 7,000 शेयर पर 11 रुपीज आपके पास आ जाएंगे, कुल मिलाकर 77,000 रुपीज का अमाउंट आपके पास आ गया, सही है। 7,000 शेयर एट द रेट ऑफ 11 नॉर्मल इशू की एंट्री, कोई स्पेशल एंट्री नहीं है। नंबर टू, जो एप्लीकेशन मनी आपके पास आई है आप उसे ट्रांसफर करेंगे, ये आपने क्रेडिट किया इसको डेबिट करेंगे क्या, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर है 7,000, एक शेयर कितने का है 10 रुपए का, प्रीमियम कितना है 1, 7,000 × 10 70,000 और 7,000 × 1 7,000, टोटल 77,000। ये 2 एंट्री इशू की आप 12 से करते हुए आ रहे हैं, तो कोई नई बात इसके अंदर नहीं है। नाउ हमने ये देखा था कि प्रीमियम के लिए पैसा कहां से आएगा, तो 10,000 रुपए 2 जगह से आए थे, 8,000 रुपए का तो आपके प्रीमियम से और 2,000 रुपए रेवेन्यू प्रॉफिट से, तो वहां से पैसा निकालते हैं। तो आपने अभी अभी सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट किया है, वहां से पैसा निकालें तो इसको डेबिट करेंगे,
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, वहां सात तो ये आ गया, एक पहले से था, आठ निकाल लिया, बाकी हमने निकाला मान लेते हैं पीएनएल से, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट 2000, इसकी जगह स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी लिखा जा सकता है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, टोटल कितना हो गया 10,000। इसको हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि एक तरीके से हमने इसका क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया। ठीक है जी, पैसा अरेंज हो गया प्रीमियम से। नाउ अब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि हमारी यहाँ 1,00,000 की थी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है, तो अब उसको क्योंकि रिडम्पशन कर रहे हैं तो अब उसको क्या कर दें, डेबिट कर दें। तो एंट्री क्या होगी, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 1,00,000। कैपिटल को डेबिट कर दिया से कैपिटल क्या हो गई, कैंसिल। ये जो प्रीमियम आपने ऊपर क्रेडिट कर रखा है, प्रोविजन बना रखा है, अब उसको आप डेबिट कर दीजिए, तो प्रोविजन कैंसिल हो जाएगा, हमने उसका यूज कर लिया। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए थे इसमें, 10,000 ये वाले। टू बैंक पेमेंट कर दिया 1,10,000 का। ये सब एंट्री एक ही डेट को हो रही है, इसलिए ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनका आप ऑर्डर क्या रखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने प्रॉफिट से कितना पैसा निकाला था, प्रॉफिट से आपने 30,000 निकाला था, और मैंने कहा था ये एक CRR में ट्रांसफर होगा, तो प्रॉफिट का बैलेंस तो क्रेडिट होता है, उससे पैसा निकालेंगे तो उसको करेंगे डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट। टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 30,000, ये लो ये एंट्री भी हो गई, सही है। और लास्ट एंट्री मैंने कहा था कि 23,000 का या तो बैंक ओवरड्राफ्ट अपने आप ही हो जाएगा नेगेटिव बैलेंस, और अगर बैंक से लोन लेना है तो उसकी एक एंट्री अलग से हो जाएगी। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कितने रुपए का लोन लिया आपने, 23,000। इस तरीके से ये आपका एक पूरा प्रोसीजर है। पहली दो एंट्रीज जो आपने की हैं वो फ्रेश इशू की एंट्री हैं जो आप 12 से करते हुए आ रहे हैं, फिर आपने प्रीमियम के लिए प्रोविजन बनाया, देन आपने प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन किया, देन पीएनएल का पैसा CRR में ट्रांसफर किया, और अगर कैश की रिक्वायरमेंट है तो बैंक से क्या ले लिया, लोन ले लिया। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आपका फंड्स के अरेंजमेंट और कैश के अरेंजमेंट का है। इसके लिए सेक्शन 80 के जो रूल हैं वो भी अपन देखें, क्या कहा गया, व्हेन ए कंपनी रिटर्न द कैपिटल टू द शेयर होल्डर देन इट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ शेयर, भाई हम पैसा रीपेमेंट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 1956 सेक्शन 80 सम रूल्स, क्या रूल है जो कि अपन को ध्यान रखना चाहिए। पहला, ओनली फुली पेड अप शेयर कैन बी रिडीम्ड, यानी ये जो शेयर है अपन जो रिडीम कर रहे हैं ये 1,00,000 के, ये फुली पेड अप होने चाहिए। अगर ये पार्टली पेड अप है तो पहले इन पे फाइनल कॉल मांगो, उनको फुली पेड अप बनाओ, उसके बाद ही आप इनका रिडम्पशन कर सकते हैं। तो ये बात बहुत ध्यान देने की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि शेयर का फुली पेड अप होना बहुत जरूरी है। दूसरा, अमाउंट कैन बी पेड बाई इशू ऑफ शेयर, हमने फ्रेश इशू किया था, ये देखो हमने फ्रेश इशू किया, ये वाला ये फ्रेश इशू अपन ने किया, और लिखा है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम के बगैर, तो देखो अपन ने, मैंने यहाँ प्रीमियम को क्रॉस कर दिया था कि आप प्रीमियम का यूज नहीं कर सकते, सही है। एंड इट कैन बी पेड बाई अवेलेबल प्रॉफिट, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो रेवेन्यू प्रॉफिट है उनका भी यूज कर सकते हो। तो देखो अपन ने यहाँ रेवेन्यू प्रॉफिट का यूज किया था, 30,000 यहाँ से निकाला था, है ना। फिर थर्ड पॉइंट है, इफ रिडम्पशन इज मेड फ्रॉम अवेलेबल प्रॉफिट देन अमाउंट इक्वल टू द मार्क प्राइस ऑफ रिडीमेबल शेयर इज ट्रांसफर टू CRR, कि प्रॉफिट से अगर आपने कोई पैसा निकाला है तो वो कहाँ ट्रांसफर होगा, CRR में, ऐसा भी इन्होंने कहा है, ठीक है, सही है यहाँ तक। इफ रिडम्पशन इज मेड ऑन प्रीमियम देन अमाउंट ऑफ प्रीमियम कैन बी टेकन फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम, भाई प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से आएगा, और फ्रॉम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली देखो अपन ने क्या किया, 8,000 तक का पैसा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से आ गया था, बाकी 2,000 अपन ने प्रॉफिट से निकाला। और लास्ट है, कंपनी कैन इशू फुली पेड अप बोनस शेयर फ्रॉम द बैलेंस ऑफ CRR, ये जो CRR है, जो 30,000 का आपका CRR है, इसका क्या यूज करेगी कंपनी, कंपनी इससे फुली पेड अप बोनस शेयर खरीदेगी, ठीक है। ये चार्ट आपको हर क्वेश्चन में बनाना है,
रफली है, इट इज ए टाइप ऑफ वर्किंग नोट। ये क्वेश्चन में आपको देना जरूरी नहीं है, आपको तो एनटीएस ही देनी है, लेकिन ये चार्ट अगर आप बनाएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहेगा। और हमेशा दो स्टेप्स, अरेंजमेंट ऑफ फंड और अरेंजमेंट ऑफ कैश दोनों लगानी है। पहले कौन सी लगानी है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मान लो क्वेश्चन में आपको कैश का फिगर दे दिया कि कैश आपको है ना इतना तो मेंटेन करना ही है 10,000 का 15,000 का, तो पहले स्टेप ये लगेगी। अदरवाइज हमेशा स्टेप कौन सी लगानी है, अरेंजमेंट ऑफ फंड ही लगानी है। जब कभी कह दे कि आपको इतना पर्टिकुलर कैश मेंटेन करना है तो उसका मतलब हो गया वो की फैक्टर का क्वेश्चन है, उसमें की फैक्टर कह दिया गया कि इतना कैश मेंटेन करना है, देन स्टेप नंबर वन कैश होगी। अदरवाइज केवल इस कंडीशन के अलावा हमेशा अरेंजमेंट ऑफ फंड ही पहले आपको सॉल्व करना है। ओके, अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीज और क्लियर होगी। ओके, थैंक यू।